हेलो फ्रेंड्स मधुमिता लिटिल किचन मोबाइल का मैं हूँ मधुमित आज मैं और एक न्यू रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ आज मैं शेयर करूँगी बेर का बहुत बढ़िया सा खट्टा मीठा चटपटा मीठा वाला अचार का रेसिपी ये जो बेर का अचार बनेगा बहुत ही टेस्टी बनेगा और स्टोर करके भी रख सकते हैं सीजन में ये वाला बेर मिलता है तो जरूर ये वाला रेसिपी एक बार ट्राई भी कर सकते हैं जो खाने में भी टेस्टी होगा और स्टोर करके भी रख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीका है लेकिन खास कुछ मसाला यूज करेंगे इस वाला बेर का आचार में ताकि ये टेस्टी के साथ देखने में भी बहुत बढ़िया सा लगेगा बेर किस तरीके का होना है कैसे बनाना है बहुत ही सिंपल तरीका है चलिए फिर ये बढ़िया सा बेर का अचार बनाना शुरू करते हैं तो बेर का ये मीठा वाला अचार बनाने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे एक किलो जैसा बेर यूज किया ये जो बेर है थोड़ा सा कच्चा है यानी ये पूरा सूखा नहीं है अगर इसमें अचार बनाएंगे तो ये ज्यादा दिन तक तो स्टोर करके रख नहीं सकते तो क्या करना है इसको थोड़ा सा सूखाना है पहले बेर किस तरीके का होना है देखिए इसमें जो पाल्प फे, परफेक्ट है और थोड़ा सा पका हुआ चाहिए और ये वाला जो बेर है ये खट्टा मीठा है और एक टाइप का बेर मिलता है जो बहुत ही मीठा होता है लेकिन उससे भी बेहतर टेस्ट आएगा इस तरीके अगर खट्टा मीठा बेरी यूज़ करेंगे अचार के लिए तो ऐसे ही थोड़ा सा खट्टा भी होना चाहिए थोड़ा सा मीठा भी होना चाहिए तो भी परफेक्ट अचार का टेस्ट आएगा अभी इस बेर को मैंने थोड़ा सा धूप में सुखा लेती हूँ कम से कम एक से दो दिन थोड़ा सा बेर को सुखाना है क्योंकि इस अचार को स्टोर करके रखना है तो देखिए मैंने दो दिन अच्छी तरह से बेर को सुखा लिया इसमें पाल्प जो है परफेक्ट है मैं दिखाती हूँ थोड़ा सा तोड़ के तो देखिए थोड़ा सा मतलब सूख गया इसमें क्या होगा ज़्यादा कच्चा नहीं मतलब पानी इसमें नहीं रहेगा तोड़ के मैं दिखाती हूँ तो देखिए पाल्प जो है परफेक्ट है लेकिन थोड़ा सा इसको सुखा लिया मैंने अगर बहुत ही कच्चा वाला बेरी यूज करेंगे तो जो अचार बनेगा वो टेस्टी भी नहीं बनेगा और स्टोर करके भी रख नहीं सकते तो इसीलिए थोड़ा सा दो दिन धूप में सुखा लेना बेर के अब मैंने एक मसाला बनाती हूँ अचार के लिए एक चम्मच जीरा एक चम्मच सौप एक चम्मच देरी और राई के दाने थोड़ा सा मेथी और डालूँगी दो ड्राई चिली ये जो मसाला बनेगा परफेक्ट इसका अचार का टेस्ट आएगा ऑयल वगैरह जरूरत नहीं है गैस का हेड बिल्कुल ही कम करके मैंने इस मसाला को कम से कम एक से डेढ़ मिनट भून लिया मतलब मसाला में एक अच्छा स्मेल आएगा तभी तो मैंने गैस का हेड बंद कर देती हूँ ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है अगर मसाला जल जाएगा तो अचार का टेस्ट भी परफेक्ट नहीं होगा तो ये मसाला मैंने अच्छी तरह से भून लिया अब मैंने प्लेट में निकाल लेती हो और इसको पीस लेती हो तो तो देखिए मसाला को मैंने इस तरीका से पीस लिया अब मैंने कढ़ाई में डाल देती हो एक चम्मच जैसा सरसों का तेल कोई भी अचार में अगर सरसों का तेल यूज करेंगे तो अचार का टेस्ट बढ़िया सा आता है आप सरसों का तेल बहुत बढ़िया सा गरम करना है जब धुआं निकलने वाली गर्म हो जाएगा तब गैस का हेड बिल्कुल ही कम कर देंगे लेकिन अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करना है अब मैंने उसी ऑयल में डाल देती हूँ जो मसाला भुना था अभी मतलब जीरा सौप मेथी राई के दाने वही वाला मसाला मैंने एक चम्मच डाल दिया इसमें क्या होगा मुँह में आएगा ये मसाला और मसाला का जो टेस्ट है वो भी बढ़िया सा आएगा तो थोड़ा सा इस वाला ऐसे ही साबुत मसाला डाल देना अच्छी तरह से जब गर्म हो जाएगा तब मैंने डाल देती हूँ बेर को बेर को जब सुखाएंगे तो उससे पहले अच्छी तरह से धो के फिर सुखाने ऐसे हम लोग मार्केट से बेर खरीदते हैं तो इसीलिए उसमें गंदा रहता है अच्छी तरह से धोखे साफ़ करके फिर सुखाने हैं और एक बात का जरूर ध्यान रखना बेर में कीड़ा भी होता है तो उसको भी थोड़ा सा देख लेना ऐसा ही तोड़ के तो देखिए मैंने थोड़ी देर तक तो ऐसे ही ऑयल में अच्छी तरह से बेर को फ्राई कर लिया फ्राई नहीं किया मतलब थोड़ा सा ऐसा ही मिक्स कर लिया ज़्यादा देर तक तो ऐसा इसको फ्राई करना भी नहीं है भूनना भी नहीं है अभी मैंने इसके साथ मिला रही हूँ थोड़ा सा नमक नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे थोड़ा सा नमक डाल दिया डाल देते हैं थोड़ा सा एक चुटकी भर के ये हल्दी पाउडर अब इसको थोड़ी देर तक तो मिक्स कर लेते हैं अभी मैंने इसको ढक के पाँच मिनट तो गैस का हेड बिल्कुल ही कम करके रख देते हैं ताकि जो बेर है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तो देखिए पाँच मिनट के बाद मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ ज़्यादा नहीं थोड़ा सा इस तरीके से सॉफ्ट हो गया थोड़ा सा बेर भून भी गया अभी मैंने इसके साथ मिलाऊंगी गुड़ मैंने एक किलो बेर यूज़ किया था उसी हिसाब से 100 ग्राम जैसा गुड़ यूज़ कर रही हो ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि बेर जो है वो भी थोड़ा सा मीठा होता है अगर मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते थोड़ा सा डाल सकते लेकिन खट्टा मीठा बनाना है तो गुड़ का क्वान्टिटी थोड़ा सा कम ही डालना है तो इस तरीके से मिला रही हूँ पानी वगैरह बिल्कुल ही अभी यूज नहीं करेंगे जस्ट गुड़ बुड़िया सा मेल्ट हो जाएगा उसके बाद दूसरा इन्ग्रीडियंट्स डालेंगे गुड़ डालने के बाद और भी मैंने इसको कवर कर देती हूँ और पाँच मिनट के लिए इसको कॉम्भिट में पकने देते हैं पाँच मिनट के बाद देखिए अच्छी तरह से गुड़ भी मेल्ट हो गया अब मैं इसको थोड़ा सा मैस कर देती हूँ इस तरीके से मैसार की हेल्स के भी थोड़ा सा इसको इस तरीके से मिक्स भी करते हैं इसमें क्या होगा बेर के अंदर गुड़ का जो टेस्ट है वो भी आएगा और परफेक्ट बनेगा और ये बेर का जो पाल्प है वो भी निकल जाएगा अगर ऐसा ही साबुत बेर रह जाएगा तो परफेक्ट टेस्ट भी नहीं आएगा और जो अचार बनेगा उसका कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट नहीं होगा तो इस तरीके से थोड़ा सा मैसार की हेल्प से दबा देना पानी वगैरह बिल्कुल ही यूज नहीं करना है जस्ट गुड़ जो मेल्ट होते जाएगा और इस तरीके से थोड़ा सा मिक्स कर देंगे तो परफेक्ट बनेगा लास्ट में मैंने डाल रही हो ये जो भुना हुआ मसाला था मसाला मसाला का क्वांटिटी आप दो से तीन चम्मच जरूर डालिए क्योंकि एक किलो बेर है उसी हिसाब से थोड़ा सा मसाला भी होना है अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ये वाला अगर मसाला डालेंगे तो ये जो अचार बनेगा अचार का टेस्ट बहुत ही परफेक्ट आता है अच्छी तरह से मिक्स हो गया ये जो अचार का कंसिस्टेंसी वो भी परफेक्ट है ठंडा होने के बाद थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है तो इसीलिए आज ज़्यादा देर तक तो पकाएंगे नहीं लेकिन लास्ट में थोड़ा सा मैंने डाल रही हूँ आमचूर पाउडर ज़्यादा नहीं थोड़ा सा मैंने आमचूर पाउडर डाल रही हूँ इसमें क्या होगा थोड़ा सा खट्टा सा जाएगा और पुढ़िया सा लगेगा अचार तो देखिए परफेक्ट तरीका से ये बेर का अचार बन गया अच्छी तरह से मिक्स भी हो गया परफेक्ट है अब गैस का हिट बंद कर देती हूँ और ठंडा होने के बाद सार करके भी दिखाते हैं ये जो मीठा वाला बेर के आचार बेर के अचार बनाने के लिए पानी वगैरह बिल्कुल ही यूज नहीं किया तो इसीलिए इसको स्टोर करके पाँच से छः महीने तक तो रख सकते हैं फ्रिज में भी रख सकते हैं ऐसा फिर नॉर्मल रखेंगे तो बीच में बीच में धूप दिखा देना अगर धूप में अगर ये वाला अचार रखेंगे तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है तो कोशिश कीजिए बिना फ्रिज के ऐसा ही धूप में रख के ये वाला अचार खाते जाइए बहुत ही टेस्टी लगेगा ऐसे तो ये वाला अचार खाने के लिए रेडी है लेकिन और मैंने खास तरीका दिखाऊंगी। ऐसे खाएंगे तो और भी टेस्टी लगेगा पहले सारू करके भी दिखाते तो देखिए इस तरीका का अचार बन गया लेकिन मैंने दूसरा तरीका दिखाते हुए किस तरीका से खाया जाता है अचार जैसे हम लोग छोटे में खाते थे तो देखिए मैंने ये अचार खाने के लिए ऐसे कागज का जो कटोरी होता है इस वाला कागज की कटोरी के को ऊपर मैंने लिया अभी कुछ मसाला डालते सबसे पहले डाल दूंगी थोड़ा सा चाट मसाला उसके ऊपर डाल देते हैं थोड़ा सा मिर्ची पाउडर ज़्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा करके मैंने डाल ली थोड़ा सा मिर्ची पाउडर और डाल दूंगी थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट साजमानी इस तरीके से अचार खाने का मजा ही अलग है आप लोग भी इसी तरीके से खाइए बहुत ही टेस्टी लगेंगे मैंने उठा के दिखाते हो कितना बढ़िया सा परफेक्ट है इस तरीक़ा से वेर का अचार बनी आई होप बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आएगा सो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आया अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूले ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए ऐसा ही हर दिन न्यू न्यू रेसिपी देखने के लिए सब लोग अच्छे रहे खुश रहे बाय बाय